तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आपकी तरफ से काफी ज्यादा डाउट्स आ रहे थे, काफी कमेंट्स आ रहे थे, काफी इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आ रहे थे। क्या एमपी बोर्ड का जो मेन एग्जामिनेशन होता है, जो कि अभी आपका कोई फिक्स नहीं हुआ है कि आपके जो फरवरी में होंगे या फिर आपके मार्च में होंगे, तो वो जो एग्जामिनेशन पेपर आता है, वो क्या ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आता भी है या फिर नहीं आता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि एमपी बोर्ड का मन है वो कभी भी कुछ भी कर देता है। तो एमपी बोर्ड पर आप तो भरोसा नहीं कर सकते हो, बट मैं आपको प्रीवियस 2 या 3 ईयर्स का कंपेयर करके जरूर बता सकता हूँ कि जो एग्जाम पेपर है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आया था या फिर नहीं आया था। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, जो ब्लूप्रिंट आया हुआ है वो किसने प्रोवाइड किया है आपको? वो एमपी बोर्ड ने ही प्रोवाइड किया है आपको। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एमपी बोर्ड ने अगर आपको प्रोवाइड किया है, तो एमपी बोर्ड का जो एग्जाम पेपर है वो सही मायने में देखा जाए तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही डिजाइन होना चाहिए। क्योंकि ये आपकी कोई परीक्षा बोर्ड नहीं है, ना ही कोई परीक्षा दे, ना ही आपकी ये कोई गाइड्स वगैरह है जो कि किसी दूसरी कंपनी ने आपको प्रोवाइड की है। ये खुद एमपी बोर्ड ने ही प्रोवाइड किया है आपका जो ब्लूप्रिंट है वो, तो इसके अकॉर्डिंग पेपर आपका आना चाहिए। अब आता है या फिर नहीं आता है तो वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ। और आज की वीडियो में आप एक चीज और देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है, कुछ चैप्टर आपके ऐसे होते हैं ब्लूप्रिंट जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, यानी कि उनमें से सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उनमें से ना ही 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है, ना ही 3 का आता है, ना ही 4 का आता है। उन चैप्टर्स में से आपके सिर्फ ओटी आते हैं, या तो 3 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे या फिर 4 आ जाएंगे या फिर जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, बट उनमें से आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव आने हैं। तो उन चैप्टर को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो ये सब मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आप मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो जो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको आप जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई सारी अपडेट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ और मैं आपको यहाँ पे गाइड भी करता हूँ किस तरीके से आपके जो परसेंटेज है वो आप इम्प्रूव कर पाओगे। और आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके भी आपका डाउट पूछ सकते हो, 100% आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो देखिए, वीडियो का ओवरव्यू तो मैंने आपको दे दिया है, आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड के टर्म 1 के एग्जामिनेशन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आने हैं, और सीबीएसई को देख के एमपी बोर्ड ने भी जो ऑब्जेक्टिव की संख्या है वो बढ़ा दी है। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, आपको फिर ऐप डाउनलोड करना है, ऐप को ओपन करके आपको प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देने का मौका दिया जाएगा, यहाँ पे आपको टाइम लिमिट भी दी जाएगी और यहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी बताया जाएगा, जिससे कि आप आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आप ढूंढ पाओगे। और इस ऐप का मैं आपको एक शानदार फीचर बता देता हूँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, तो आपको इस क्वेश्चन का फोटो इस ऐप पे पोस्ट करना है, कोई भी ट्यूटर विदिन 60 सेकंड आएगा और आपको वो क्वेश्चन समझाएगा। तो काफी अच्छा ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर पाओगे। क्योंकि अभी मैक्सिमम बच्चे हैं जो कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो चैप्टर जितने मार्क्स का है, जितना उसका वेटेज है, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और ये काफी अच्छी भी बात है, जिससे कि आपका जो टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट बच्चों के मन में एक डाउट ये आ रहा है कि जो आपका एग्जाम है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आएगा भी या फिर नहीं आएगा। और अगर एमपी बोर्ड की तरफ से ब्लूप्रिंट आया हुआ है तो आपका जो एग्जाम पेपर है वो तो जरूर से आना चाहिए, बट अगर नहीं आया तो क्या होगा? तो उसका मैं अभी आपको आंसर कर दूंगा। अभी मैं आपको प्रीवियस 2 या 3 ईयर्स का सीन दिखाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप समझ पाओगे कि आपका जो एग्जाम पेपर है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आता है या नहीं आता है। तो देखिए, अगर आपको इस बात का कंफर्मेशन चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उठाने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास कहाँ से आएंगे, आप चाहें तो नेट पर ढूंढ सकते हैं, वरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए और प्रीवियस ईयर का ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए। उन दोनों को अगर आप मैच करोगे तो आप ये देखोगे कि 90 to 95% तक ब्लूप्रिंट से पेपर आता है। अब बचा हुआ 5% क्यों नहीं आता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आता तो 100% ही पूरा पेपर है, बट 5% क्यों रह जाता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब देखिए, आप इतनी ज्यादा मेहनत करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ढूंढोगे, फिर आपको प्रीवियस ईयर का ब्लूप्रिंट ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको इन दोनों को मैच करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा ये है कि मैं ये सब काम कर चुका हूँ और मैं आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। तो आप सभी ये वीडियो जरा ध्यान से देखें, आपको मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एमपी बोर्ड की तरफ से कुछ ट्विस्ट ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि मानिए कोई चैप्टर है आपका जिसमें से आपके 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो आपका पेपर आएगा उसमें आपके 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसमें 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पर 4 नंबर के क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि वो आपके पार्ट्स में आ जाते हैं। अब ऐसा मानिए जैसे कोई क्वेश्चन नंबर आया है आपके पास, उस क्वेश्चन में आपको पार्ट्स दिए रहेंगे ए करके और बी करके, और ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसको वो 2 2 नंबर में डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन 4 नंबर का ही रहेगा, चैप्टर में से 4 नंबर का ही आया है। अब ऐसा मानिए 4 नंबर में आपका कोई डेरिवेशन आना चाहिए था, तो एमपी बोर्ड क्या करता है कि डेरिवेशन ना देके आपको 2 छोटे छोटे क्वेश्चन दे देता है वहां पे 2 2 नंबर के, और क्वेश्चन में ही ए बी करके पार्टीशन कर देता है। तो अब आप ये कहोगे कि हमने तो उस चैप्टर में से बड़े क्वेश्चन याद किए थे, हमने बड़े प्रिपेयर किए थे, तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो तभी मैंने आपको बता रखा था एक वीडियो में कि आपको जो ब्लूप्रिंट और जो आपका रिड्यूस लेवल है वो आपको किस तरीके से यूज करना है, सही वे में यूज करोगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे।
तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, पेपर तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आता है, पर छोटे मोटे चेंजेस एमपी बोर्ड की तरफ से हो जाते हैं कभी कभी। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो चैप्टर आपके ऑब्जेक्टिव बेस होने जा रहे हैं तो उनको आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे जिन चैप्टर्स में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आने हैं वो काफी ज्यादा टफ होंगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि हम तो उनको इजी समझते थे, तो वो चैप्टर सबसे ज्यादा टफ होते हैं। अब देखिए आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं से भी आ सकते हैं। अब अगर आप परीक्षा बोर्ड अध्ययन कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि उसमें जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं उन्हीं में से आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपके ऑब्जेक्टिव आपके पूरे कहीं से भी चैप्टर में से आ सकते हैं। तो जिन चैप्टर्स में से आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव आने हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो चैप्टर एक बार पूरा रीड करना है। आपको उसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं करने हैं, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं से भी आ जाता है और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है जब हमें ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आप सारी बातें समझ रहे होंगे। मेरा काम है आपको गाइड करना, तभी मैं आपको ऐसे छोटी छोटी वीडियोज बना के देता रहता हूँ जिससे कि आपका जो पढ़ाई का वे है वो सही रहे। अब मैं आपको वीडियो के एंड में एक बात और बता देता हूँ कि आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। बट आपको पूरी तरीके से इसी पर डिपेंड नहीं होना है, आपको जो चैप्टर दिया गया है उसको आपको पूरा ही कवर करना है। अब ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप ऐसा कह सकते हैं कि और अच्छी तरीके से उस चैप्टर को आप करेंगे। और अगर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप पढ़ भी रहे हैं तो मेरी मानिए तो एक बार जो पूरा चैप्टर है उसको एक बार जरूर से रीड कीजिएगा। हो सकता है कि उसमें से ऑब्जेक्टिव आ जाए, या फिर हो सकता है कि छोटे क्वेश्चन को बड़े बना के दे दिया जाए, या फिर बड़े क्वेश्चन को छोटा बना के दे दिया जाए। तो ऐसी दिक्कतें आपको नहीं होंगी एग्जाम में। ऐसी और इन्फॉर्मेशन अपडेट्स और ऐसे ही और गाइड मैं आपको आगे करता रहूंगा, तो सब्सक्राइब बटन आप जरूर से दबा दीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स में जरूर से शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि एमपी बोर्ड में जितने भी बच्चे हैं ये सभी यहाँ पे आ जाएं, कनेक्टेड हो जाएं और एक स्ट्रांग यूनिटी बन जाए अपनी, जिससे कि एमपी बोर्ड अगर कुछ ऐसा करता है जो कि आपके फेवर में नहीं हो तो उसके अपोज में अपन उनसे कुछ कह पाएं। तो सब्सक्राइब आप भी कीजिए और अपने फ्रेंड से भी जरूर से करवाइए।